जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों नमस्कार। गंगा पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आप देख रहे हैं कम से कम 13 लाख रुपए की ठगी की है और जानना चाहेंगे हम। कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी को, 13 लाख ठगी के साथ में गिरफ्तार किया है दोस्तों। और कोतवाली थाने के SI साहब पुरन जी क्या मामला था ये? एक दंपति परिवार था और वो इस व्यक्ति का परिचित व्यक्ति था। उसको बताया कि भाई आपके घर पर और आपके परिवार के सदस्यों पर भूत प्रेत का छाया है, उसको हटाने के लिए मुझे पाठ पूजा करना पड़ेगा। इस संबंध में उस भूत प्रेत हटाने वाले बाबा श्री घनश्याम शर्मा निवासी बजीतपुर ने उस दंपत्ति को डराया धमकाया और उसके घर पर जा कर के और भूत प्रेत का साया हटाने के लिए पाठ पूजा किया। उसके घर में जाकर सर्प निकाला, सर्प निकाल के वहाँ गड्ढा खोदा, धन खुदाने की बात कही थी और गड्ढे में घुसकर उसने एक मटकी में सांप सर्प को अंदर डाल के और उस दंपति परिवार को कहा कि इस भूतालय को हरिद्वार ले जाना पड़ेगा। और उक्त बाबा उस मटकी को अपने साथ दंपति परिवार की पत्नी और उसकी पुत्री को साथ, जवान पुत्री को साथ ले गया हरिद्वार। 6-7 दिन उनको साथ में रखा और वहाँ हरिद्वार में इसने उस मटकी को नदी में बहा दिया। उसके बाद वहाँ से आने के बाद किसी को नहीं बताने और जान से मारने की धमकी दी और शुरू से लेकर अंत तक इसने उस दंपत्ति परिवार से लगभग 13 लाख रुपए की ठगी की। भूत प्रेत हटाने के नाम पर? हाँ, उक्त अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पीड़िता दंपति ने आपके कोतवाली थाने में शिकायत की थी सर? हाँ, इस संबंध में पीड़िता दंपति ने FIR की थी। FIR करने के बाद तफ्तीश की और जहाँ से वो दंपति परिवार पैसे लाया, अकाउंट से अपने हाथों से पैसे लाया, किन्हीं लोगों से उधार भी लिए, लिखापटी की, उन लोगों के बयान भी लिए हैं। यह बात सही है कि इस ढोंगी बाबा ने 13 लाख रुपये की जान से मारने की धमकी देकर और भूत प्रेत का साया हटाने की एवज में 13 लाख रुपए की ठगी की है। सर, रहने वाला कहाँ का है ये? बजीपुर का रहने वाला है। इसके साथ दो अन्य और हैं जी, इसका नाम तो है संतोष और पहले नंबर के घनश्याम जी हैं, उसके बाद संतोष है और एक इनका कोई उनका कोई परिचित है। उनके संबंध में तफ्तीश जारी है, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, इस मामले के अलावा कोई मामले में और वांछित है ये? इसने पहले भी दो अन्य लोगों के बयान है, पत्रावली पर बयान है। इसने और ने दो लोगों के साथ भी ठगी की है। उन्होंने इसके डर की वजह से कोई FIR नहीं कराई। इस व्यक्ति ने हिम्मत की और FIR दी, इसको भी काफ़ी डराया धमकाया उसके बावजूद और इसने FIR की। कुल मिला के तांत्रिक विद्या का झांसा देखा? हाँ, बिल्कुल तांत्रिक विद्या का झांसा दिया है और उनको भूत आलाय प्रेत से बचाने के लिए बार बार उससे ठगी करता रहा है, उसे पैसे लेता रहा है। उसने कभी हरिद्वार ले जाने के नाम पर, कभी ताबीज बांधने के नाम पर, कभी सर्प अलाय वला को दूर करने के नाम पर लगभग 13 लाख रुपए की ठगी की है। सर, इस व्यक्ति का नाम क्या है? सर, घनश्याम पुत्र रामस्वरूप ब्राह्मण, निवासी बजीतपुर। कोतवाली थाने के SI साहब ने बताया कि भूत प्रेत हटाने के नाम पर 13 लाख ठगी की है। पीड़िता ने शिकायत की दी थी कोतवाली थाने में और उसी को गिरफ्तार किया है। और जो पीड़ित दंपत्ति है वो भी यहाँ पे ही है थाने पर, उन्होंने शिकायत की थी। ये पीड़ित दंपत्ति है दोनों और इन्हीं को इनके साथ में 13 लाख रुपए की ठगी हुई थी और इन्होंने कोतवाली थाने में शिकायत दी थी और कोतवाली थाने की पुलिस ने इसको सही माना और आरोपी को गिरफ्तार किया। आई जानकारी हमसे करते हैं, क्या मामला था? आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम छगन लाल कलाल है।
कहाँ रहते हैं आप? सुबलक्ष्मी मेल में रहता हूँ। क्या मामला था आपके ठगी का? क्या मामला था ये जो हमारे ठगी हुई आपके साथ? घर में अशांति थी और कुछ भूत प्रेत का साया बताया, उसके कारण ये हमारे घर पे आया और एक खड्डा खोदा। खड्डे में क्या नाम से पहले पूजा पाठ किया, पूजा पाठ के बहाने उसमें एक आदमी के द्वारा पता नहीं कि डाला पैदा किया, उसमें सर्प निकाला। सर्प के कारण हम डर गए और उन्होंने कहा कि ये असली हमारी भूत प्रेत की आत्मा, इसका पाठ करवाने पड़ेंगे हरिद्वार में। और ये हरिद्वार ले गया मेरे को, तो यहाँ पूजा पाठ में लगा दिया और मेरी धर्म पत्नी को पुत्री को लेके गया। और करीब 13 लाख रुपए हमसे बार बार में लिए और हमने बैंक में से निकला के जिसका हमारे पास बैंक डिटेल है पूरा, और हमने उधार भी लेकर के सही प्रार्थियों से उधार भी लेकर के इसको हमने भुगतान किया, क्योंकि हमको हमारी जान प्यारी थी, जान बचाने के कारण हमको ऐसा करना पड़ा। और हमारे फिर भी हमको कोई फ़ायदा नहीं मिला, उल्टा हमारी ज़्यादा परेशानी हो गई। हमारा परिवार बिल्कुल मतलब एक बात पागलों की स्थिति में आ गया, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी कि हम आज जिंदा हैं। फिलहाल 13 लाख रुपए ठगी हो चुकी है आपसे, इसी की आपने कोतवाली पुलिस में शिकायत की थी? बिल्कुल, कोतवाली थाने में कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज करवाई थी, उसमें छानबीन करने के शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हेड साहब से हम जानकारी चाहेंगे, हेड साहब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया? जी गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन के पीसी रिमांड पर लिया। कोर्ट में पेश किया गया? बिल्कुल, आज पेश किया गया, 2 दिन के पीसी रिमांड पर है। 2 दिन के पीसी रिमांड पर दिया गया है आरोपी को, और कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आप देख सकते हैं पीड़ित दंपति के साथ में 13 लाख रुपए की की थी ठगी भूत प्रेत हटाने के नाम पर। गंगापुर सिटी कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भूत प्रेत हटाने के नाम पर ठगी, 13 लाख रुपए आरोपी से ठगे और आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार और किया कोर्ट में पेश, और 2 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी।